बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट और लेक्चर नंबर फर्स्ट। अब एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीरियाडिक टेबल देखेंगे। जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, आपको पता है कि वो ग्रुप्स और पीरियड्स उसके अंदर दो टाइप्स के मौजूद हैं। अगर हम ग्रुप्स देखें मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर, तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स मौजूद हैं जी। टोटल कितने ग्रुप्स मौजूद हैं? 18 ग्रुप्स। और अगर पीरियड देखें, 18 ग्रुप्स कैसे मौजूद हैं? ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप्स ये मौजूद हैं। और जो सेंटर के अंदर 10 ग्रुप यहाँ पर मौजूद होते हैं। टोटल 18 ग्रुप मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम पीरियड की बात करें मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स मौजूद होते हैं। यानी पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पीरियड मौजूद होते हैं। यह तो था कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड होते हैं। अब अगर हम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को ब्लॉक की बेस पर डिवाइड करें, तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स मौजूद हैं जी। पहले ब्लॉक को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरे ब्लॉक को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरे को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और फोर्थ वन को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब अगर देखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद हैं पीरियाडिक टेबल के अंदर, जो फर्स्ट इन दो ग्रुप्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप एंड द सेकंड ए ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी। यानी जो दो राइट लेफ्ट साइड पे जो पहले दो ग्रुप पीरियाडिक टेबल में मौजूद हैं, उन दो ग्रुप्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है जी। यानी आप यहाँ पे लिख लें, फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं जी। पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं, यानी थर्ड ए से लेकर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ ए तक जो पीरियाडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है जी। थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक जो पीरियाडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब अगर देखें एस और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को हम दोनों को मिला के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करें, जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं ये पीरियाडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये पीरियाडिक टेबल के राइट साइड पर मौजूद हैं। ठीक है जी। डी ब्लॉक एलिमेंट जो एस, इनको हमने क्या कहा? पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी टोटल यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं जी। अब अगर देखें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के जो सेंटर के अंदर जो ब्लॉक होता है, जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है जी। और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। पीरियाडिक टेबल के नीचे दो जो ग्रुप्स मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जी। एक को हम कहते हैं लेंथनाइड सीरीज, ठीक है जी, लेंथनाइड सीरीज, और दूसरी को हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। द लेंथनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। द ट्रांजिशन एलिमेंट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथनाइड सीरीज जो लेंथनम से शुरू होती है, और एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनियम से शुरू होती है। यानी लेंथनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर देखें जो हमारे पास लेंथ एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? या एस ब्लॉक एलिमेंट से पहले हम थोड़ी सी और बात करते हैं। यानी अल्कली मेटल, फर्स्ट ए ग्रुप को हम अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। दी अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी। बहुत ही सिंपल बात है। अब अगर देखें एक और बात भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे पीरियाडिक टेबल के जितने भी मौजूद हैं ये मेटल मौजूद हैं जी।
पीरियाडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ये मेटल हैं, यानी एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर टोटली मेटल होते हैं जी। ठीक है जी, एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर टोटल मेटल होते हैं। और एक्स ब्लॉक्स एलिमेंट को अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जी। ये क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम साथ साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी देखते हैं, जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इसका हमने कहा ये मेटल होते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों होते हैं जी। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं, जबकि एस ब्लॉक्स एलिमेंट के अंदर टोटल मेटल हैं। हमने कहा एस ब्लॉक्स एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि जो पी ब्लॉक्स एलिमेंट हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनक्रीज होती है जी। अब अगर हम एक और बात देखें इनके अंदर, तो ये जो मेटल जितने भी मौजूद हैं एस ब्लॉक के अंदर ये रिएक्टिव मेटल हैं। देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो गैसियस फॉर्म में है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, ठीक है जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लेड, ठीक है जी, नाइट्रोजन, सल्फर, नहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है जी, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम, पोलेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। यानी ये जो इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर का नाम है एस एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट, तो इसके अंदर हमने सिर्फ इन एलिमेंट को ही डिस्कस करना है। अब देखें इसको मैंने किस वजह से लिखा हुआ है कि हमने एस ब्लॉक्स एलिमेंट को सबसे पहले देखना है। एस ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक्स क्यों कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। N क्या है? N हम पीरियड को कहते हैं जी। N हम किसको कहते हैं जी? N हम पीरियड को कहते हैं। अब देखें जी, मेरे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 है इसका मतलब यह है कि ये जो मैग्नीशियम है ये थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है। मैग्नीशियम का पीरियड कौन सा है? मैग्नीशियम का पीरियड थर्ड है। और पीरियड थर्ड के अंदर ये ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक के अंदर है। एस ब्लॉक में भी पहला ब्लॉक नहीं है, इसका दूसरा ब्लॉक है। अब अगर देखें फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के सेकेंड ग्रुप में मौजूद है। 3s2 का मतलब यह है कि जो थर्ड पीरियड के सेकंड ग्रुप के अंदर मैग्नीशियम मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हम किसी भी एलिमेंट्स, यानी अगर फर्स्ट ग्रुप की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तक, किसी भी एलिमेंट की हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके आखिरी शेल में NS1 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। N इज़ दी नंबर ऑफ पीरियड, हाइड्रोजन के लिए 1s1, सोडियम के लिए लास्ट में क्या आएगा जी? सोडियम के लिए 3s1, पोटेशियम के लिए 4s1, रुबिडियम के लिए 5s1, सीजियम के लिए 6s1 और फ्रांसियम के लिए 7s1 आएगा। इसी तरीके से बेरिलियम के लिए अगर आप देखें 2 इज द नंबर ऑफ पीरियड, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, अप टू सन, इस तरीके से जी। अब अगर हमने पी ब्लॉक्स एलिमेंट को अगर डिस्कस करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जी, ठीक है जी, मेरे पास एक एलिमेंट है जी ऑक्सीजन, सल्फर में ले रहा हूँ जी, ठीक है जी, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ 1s2, 2s2,
टू पी सिक्स, थ्री एस टू कितने हो गए, दो दो चार छः दस, दो बारह, सिक्सटीन तक लेके जाना है हमने थ्री पी फोर। ठीक है जी, अब देखें दो दो चार छः दस, दो बारह चार सोलह, इसका मतलब क्या हुआ, जो जो हमारे पास सल्फर मौजूद है ये तीसरे पीरियड के अंदर है। पीरियड कौन सा है जी, थर्ड पीरियड। आएँ जी थर्ड पीरियड देखें, थर्ड पीरियड से आप लाइन लेके जाएं, ये सल्फर तक आप आ गए जी। पी फोर का मतलब ये है कि जो सल्फर थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है ये पी का फोर्थ ग्रुप है, यानी पी के फोर्थ ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उस एलिमेंट का पीरियाडिक टेबल के अंदर पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में किस जगह पर मौजूद है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन की बुनियाद पर था कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यानी थ्री थर्ड पीरियड के बारे में होगा, उस तक इंतज़ार करें। अब आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ओके, खुदा हाफिज़।